नागदा के ग्रेसिम फैक्ट्री के कर्मचारी और मजदूर संघ के नेताओं ने बांध नहीं बनाए जाने और इंटक केबल निर्माण के विरोध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो कि नागदा की ग्रेसिम फैक्ट्री है, यहाँ मजदूरों के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा होने वाला है। ग्रेसिम उद्योग द्वारा बनाए गए चार बांधों से पहले ही खाचरोद सहित नागदा और आसपास के क्षेत्रों में पानी सप्लाई किया जाता है, जिसके जरिए काफी मात्रा में पानी की खपत होने से हजारों मजदूर उद्योग बंद होने से बेरोजगार हो जाएंगे। इसी के विरोध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का घेराव कर ग्रेसिम के मजदूरों ने अपना विरोध दर्ज कराया। जब मजदूर घेराव करने पहुंचे तो जिम्मेदार अधिकारी वहां से रफू चक्कर हो गए। काफी देर तक चली नारेबाजी के बाद उनका ज्ञापन लिया गया। पिछले 50 साल से नागदा के अंदर ग्रेसिम उद्योग चल रहा है। ग्रेसिम उद्योग ने चंबल नदी के ऊपर 4 डैम बनाए हैं, 2 तालाब बनाए हैं। आप सब जानते होंगे कि पिछले दिनों 2 साल पहले उज्जैन शहर को पानी की किल्लत आई थी, उस वक्त भी ग्रेसिम के मजदूरों ने सीने पे पत्थर रख के अपने पड़ोसी होने का नाते का धर्म निभाया और उज्जैन शहर को पानी दिया। और आज यहाँ के अधिकारी मौन हो रहे हैं, एक के दरवाजे जाते हैं तो दूसरे का दरवाजा बताता है, बोलता है ये हमारे अधिकार में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।